हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट्स फॉर जॉब्स में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बैंक्स जो हैं वो किसी की प्रॉपर्टी की नीलामी कब कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बैंक्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे दो पर्सन हैं ए और एक है बी, और इन दोनों के बीच में एक है बैंक। ठीक है, तो ए जो है वो बैंक में जमा करवाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, और बैंक्स जो हैं इन 1000 रुपीज़ में से मान लेते हैं 800 रुपीज़ जो है वो लोन के दे देता है। किसको? बी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 800 रुपये जब ये लोन पर देगा तो इससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा इसको, और इंटरेस्ट जो है वो जो इंटरेस्ट है मान लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट के 200 रुपीज़ बने हैं बैंक के पास में। तो ये 200 रुपीज़ में से 1000 रुपीज़ वाले जिसने भी जमा करवाए थे उसमें से मान लेते हैं हम लोग 100 रुपीज़ जो हैं ये 1000 रुपीज़ जमा करवाने वाले को ब्याज के रूप में दे देगा। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बैंक के पास जो प्रॉफिट बचा है वो 100 रुपीज़ का है। ये होती है बैंक की कमाई, और इसी तरीके से बैंक करते हैं काम। लेकिन ये थी नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अगर बात करें हम लोग एक अनऑर्डिनरी सिचुएशन, जिसमें कि क्या बताया गया है कि अगर बी बैंक्स को जो लोन लिया था उसका ना तो प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, और ये कब तक करता है इसके लिए हम लोग देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि जब ऐसा नहीं होता है, मतलब बी रिटर्न नहीं करता है बैंक को, तो ये बन जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए इसको मैं सही से लिख देता हूँ, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस को अगर पूरा कर दिया जाए, मतलब वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं, तो बैंक्स जो हैं उनके पास ये पावर होती है कि जो हमने मॉर्गेज रखा था वो उसको जो है लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब उसको बेच सकते हैं। ठीक है, उसकी नीलामी कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जैसे ए ने लोन लिया, बी ने लिया था, ओके, बी ने लोन लिया 1000 रुपीज़ का, और उसको 1 फेब को जमा करवाना था इसका इंटरेस्ट और ये 1000 रुपीज़। लेकिन ये जो ए है वो 90 दिन तक अगर ना तो इंटरेस्ट पे करता है ना ही प्रिंसिपल पे करता है, तो ये जो एसेट है यहाँ पर बन जाता है NPA। तो मिनिमम कितने नंबर कितने दिन चाहिए? 90 दिन। ठीक है, 90 दिन होते ही ये जो एसेट हैं इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट्स, यानी कि जिन पर तनाव हो। ठीक है, तो स्ट्रेस्ड एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद में अगर 90 दिन की बात हो रही है तो स्ट्रेस्ड एसेट्स के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पहला सब स्टैंडर्ड स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है, ये क्या होते हैं? देखिए, अगर कोई भी अमाउंट NPA बनता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है, और वो 90 दिन से लेकर अगर 12 महीने तक रहता है ऐसा ही, मतलब 12 महीने तक कोई अमाउंट नहीं पे किया गया, तो इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है हमारा डाउटफुल एसेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट। ये क्या है? देखिए, अगर 12 महीने से लेकर कोई इंसान 36 महीने तक के टाइम पीरियड में कोई भी पैसा नहीं जमा करवाता है तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट। इसके बाद में लास्ट जो है वो आता है हमारा लॉस एसेट।
लॉस एसेट क्या है? अगर कोई भी इंसान 36 महीने के बाद में 36 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए कोई अमाउंट पे नहीं करता है तो इसको लॉस एसेट्स बोलते हैं। अब ये जो है, इस ये जो कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है कि अब पानी जो है सर तक आ चुका है और डूबने वाला है, तो इसलिए बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स जो है इस लोन को रिटर्न ऑफ कर देते हैं। रिटर्न ऑफ मतलब दिखाने के लिए ये जो लोन है इसको साफ कर देते हैं, मतलब अपनी जो बुक्स हैं, जो लोन बुक्स हैं उनमें से इसको हटा देते हैं। लेकिन इसके बाद में ये जो पावर है ये चली जाती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बाद में, यानी कि बैड बैंक्स के बाद में, सॉरी बैड बैंक्स के पास में। तो बैड बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, बैड बैंक्स जो हैं वो जो भी एसेट है, जो अगर बी ने लोन लिया है तो वो कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा, और इस गिरवी रखी हुई चीज़ को जो बैड बैंक्स हैं, बैड बैंक्स ये क्या करते हैं, इस मॉर्गेज को बेच देते हैं, और बेचकर जो पैसा मिलता है उससे बैंक्स का जो लोन है ठीक है उसको रिकवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैंक्स जो हैं वो किसी भी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकते हैं। ये एक सिंपल जो है लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़।